नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। महुआ इलाके की पीपलखेड़ा ग्राम पंचायत के मोजपुर गांव में पत्तल और दोने के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। एक टैंकर में केमिकल की वजह से भयंकर आग लग गई, वहीं करीब 8 से 10 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी, पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आर के मीणा, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सहित दर्जनों आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। टोड़ा भीम के निसूरा गांव में मां चामुंडा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस सेवा दल महासचिव एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य आरती मीणा ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान आरती मीणा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए ERCP को राष्ट्रीय योजना घोषित करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया। मोजमाबाद में SDRF मुख्यालय पर निर्जला एकादशी के अवसर पर SDRF सेनानायक पंकज चौधरी ने बच्चों और गरीब परिवारों को अन्न, फल और अन्य सामग्री वितरित की। इस दौरान बच्चों ने SDRF क्रीच का भी भरपूर आनंद लिया। हिंडोन के खीपकापुरा में एक कच्चे घर में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इसके अलावा भेड़ और बकरी भी आग की चपेट में आ गई। घटना के बाद सर्व समाज सहायता टीम घटना स्थल पर पहुंची और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। सर्व समाज सहायता टीम के सदस्य करतार सिंह चौधरी ने पीड़ित परिवार के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक रेल कर्मचारी ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतक सुनील दत्त रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। सुनील को अचेत अवस्था में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल आत्महत्या करने की वजह सामने नहीं आई है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बोरखेड़ा थाना ASI रमेश चंद के अनुसार मृतक सुनील दत्त ने सुबह पार्किंग में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी व भाई को फोन कर विषाक्त का सेवन करने की जानकारी दी। घटना की जानकारी लगते ही परिवार में हड़कंप मच गया। परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मैं हेड कांस्टेबल रमेश चंद, थाना बोरखेड़ा कोटा शहर। रात को एक सूचना मिली थी सुधा हॉस्पिटल से, सुनील दत्त शर्मा जो अज्ञात भोजन खा के सुधा हॉस्पिटल में भर्ती, जाके वहाँ देखा इसको मृत घोषित कर रखा था, जिसकी बॉडी को MBS में लाकर वॉर्डरूम से किया कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन अभी तक इस अभियान के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही दिखाई दे रही है, जिसके चलते शहर की जूस की दुकानों पर भीषण गर्मी के मौसम में सड़े और बदबूदार फलों का जूस बनाकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ऐसा ही वाक्य चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के बीचों बीच संचालित हो रही जूस की दुकान पर देखने को मिला है। ओंकार जी, बात की जाए, किस तरह की घटना हुई आपके? साथ में यहाँ चित्तौड़ कोई काम से आया था, तो शहर में गया था जूस, मेरे साथ में मित्र भी थे, तो उन्होंने कहा जूस पी लेते हैं, तो जूस की दुकान पे भीड़ भी पड़ी थी, उन्होंने कहा वहाँ अच्छा है, तो जूस दो गिलास ली हमने और एक घूंट भरी। चित्तौड़ में शहर में मौसम कचौरी वाले के पास में दुकान है अरिंद के नाम से, तो वहाँ हमने जूस की दो गिलास ली, एक घूंट भरी और इसमें बदबू आ रही है। मैंने कहा यार भैया इसमें बदबू आ रही है, आप देख लो। उन्होंने कहा पैसे दो और रवाना हो। मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की, मुझे आप सब पैसा भी ले रहे हो, आप दोनों काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही चलते हैं, और अभी दो पुलिस वाले थे वो भी पी के गए। खमेरा थाना क्षेत्र के घाटोल कस्बे में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला गर्मा गया। पहले तो महात्मा गांधी जिला अस्पताल के बाहर पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा हुआ, जहां ASP कान सिंह भाटी को मौके पर पहुंचकर समझाइश करनी पड़ी। इसके बाद शव को घाटोल ले जाने के बाद नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल आक्रोशित परिवार शव को आरोपी दोस्त के घर पर जलाने पर अड़ गया। विवाद बढ़ा तो चार थानों का जाप्ता बुलाना पड़ा। नाराज महिलाओं ने घर के बाहर प्रदर्शन किया और गनोड़ा घाटोल स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे पुलिस की मशक्कत के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।